अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफरेंशियल फोटोकैलोरीमेट्री। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंशियल फोटोकैलोरीमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग एप्लीकेशन और लिमिटेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हम इससे पहले कौन कौन सी थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने सबसे पहले थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस TGA पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTA के बारे में पढ़ा, और बाद में हम लोगों ने डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री DSC के बारे में डिटेल में वीडियोज़ पढ़ी हैं। अगर आपने मेरी उनमें से कोई वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनको जाके पहले लाजमी देखें ताकि आपके लिए ये वाली वीडियो समझना बहुत ही इजी रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल फोटोकैलोरीमेट्री ये तीन वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसके वर्ड से हम पहले इसके मतलब को समझते हैं, फिर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। डिफरेंशियल का मतलब होता है कि दो चीज़ों को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तब हम लोग डिफरेंशियल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस थर्मल एनालिटिकल टेक्निक के अंदर हम लोग एक सैंपल और दूसरा रेफरेंस मटेरियल, इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे। उसके बाद आता है फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, और हम लोग उन दोनों को लाइट प्रोवाइड करेंगे। कैलोरीमेट्री का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग हीट की मेजरमेंट करते हैं, हीट कितनी ट्रांसफ़र हुई है या कितनी अब्सॉर्ब हुई है। तो ओवरऑल जो नेम से शो हो रहा है डिफरेंशियल फोटोकैलोरीमेट्री, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने सैंपल और रेफरेंस मटेरियल्स को लाइट प्रोवाइड करते हैं और फिर उनके अंदर आने वाली जो हीट अब्सॉर्ब्ड या हीट प्रोड्यूस्ड है उसको मेजर करते हैं। इसको यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, DPC इज अ थर्मल एनालिटिकल टेक्निक यूज टू मेजर द हीट जनरेटेड और अब्सॉर्ब्ड। कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग हीट जनरेटेड या अब्सॉर्ब्ड कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है या फिर अब्सॉर्ब की है हमारे सैंपल सेल के ने, उनको हम लोग स्टडी करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, लाइट के इफेक्ट के अंदर अंदर। इट कम्बाइंस द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री विच इन्वॉल्व्स मेजरिंग हीट चेंजेस विद द यूज़ ऑफ लाइट। इसके अंदर हम लोग कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। कैलोरीमेट्री मैंने आपको बताया है, इसमें हम लोग हीट के चेंजेस को मेजर करते हैं, लेकिन क्योंकि ये फोटो कैलोरीमेट्री है तो हम लोग लाइट को यूज़ करते हुए हीट के चेंजेस को मेजर करेंगे। अब इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ DPC इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन आ सैंपल मटेरियल एंड अ रेफरेंस मटेरियल व्हेन बोथ आर एक्सपोज्ड टू लाइट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल मटेरियल लेते हैं और एक रेफरेंस मटेरियल लेते हैं, और हम उनको लाइट सोर्स के आगे एक्सपोज कराते हैं। जब लाइट उनके ऊपर फॉल करती है तो सैंपल मटेरियल के अंदर जो हीट है उनकी चेंजेस आएंगी। उस हीट की जो आने वाली चेंजेस हैं उसको हम लोग कंपेयर करेंगे और फिर हम लोग उसको मेजर कर लेंगे। और प्रिंसिपल में क्या बात आती है, व्हेन लाइट इज़ इरेडिएटेड ऑन टू द सैंपल, कि जब हम लाइट को इरेडिएट कराते हैं अपने सैंपल के ऊपर। स्टूडेंट्स, इरेडिएट कराने का मतलब ये है एक्सपोज कराना, मतलब कि हमारा सैंपल जो है उसको जब हम लाइट के सामने रखेंगे तो हमारा सैंपल लाइट अप हो जाएगा। देन इट अंडरगोज वेरियस फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। जब हम अपने सैंपल के ऊपर लाइट गिराते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोटोकेमिकल प्रोसेसेस होंगे, जैसे कि अब्सॉर्प्शन हो सकती है, इमिशन हो सकती है या एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, लीडिंग टू हीट जनरेशन और अब्सॉर्प्शन। जिससे क्या होगा, या तो वो सैंपल उसको अब्सॉर्ब कर लेगा या तो वो हीट को इमिट करेगा, उसके अंदर या कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन्होंने हमें यही बात बताई है कि जब हमने सैंपल को लाइट के आगे एक्सपोज कराते हैं तो वो उस लाइट को जब एक्सपोजर लेता है तो उससे क्या होता है, उसके अंदर फोटोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो हीट को या तो जनरेट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा। अब ये जितने भी हीट के प्रोसेसेस हमारे सैंपल के अंदर आएंगे तो उनको हम लोग हीट फ्लो कहते हैं ना, जो भी हीट फ्लो हुई इस प्रोसेसेस से उसको हम लोग मेजर कर लेंगे कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए। तो यही जो सारी की सारी चीज़ें हैं, यही DPC का प्रिंसिपल है और यही चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपकी कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी इसके प्रिंसिपल को लेके।
लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछा करें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमेट्री की तरफ। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स, लाइट सोर्स, बीम डिलीवरी सिस्टम, सैंपल एंड रेफरेंस सब्सटेंसेस, टेम्परेचर सेंसर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर और लास्ट पे है डाटा एक्विजिशन सिस्टम या फिर कंप्यूटर। अब हम इन कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेबल लाइट इंटेंसिटी। ये एक लाइट इंटेंसिटी या लाइट की बीम प्रोवाइड करता है हमारे सैंपल और रेफरेंस मटेरियल को। लेकिन इसमें मेन बात याद रखने वाली ये है कि जो भी हमारे हीट चेंजेस या लाइट के चेंजेस हैं वो सब कंट्रोल्ड होती हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी एनालिटिकल टेक्निक्स पढ़ी हैं उसमें भी हम लोगों ने जो भी हमारा जो फर्नेस था या हीटर यूज़ किया था वो सब के सब कंट्रोल्ड थे। तो थर्मल एनालिसिस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी यही क्वालिटी होती है कि इनमें जो आने वाले हीट के चेंजेस हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हम जब चाहें जितनी चाहें हम लोग उतनी हीट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जो DPC के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लाइट सोर्स है वो एक लेज़र लाइट है। अब लेज़र को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की वजह से? इट इज़ यूज ड्यू टू देयर मोनोक्रोमेटिसिटी। इस बात का ये मतलब है कि जो हमारी लेज़र से आने वाली लाइट होती है ना वो एक प्योर स्पेक्ट्रल कलर की लाइट होती है, लेकिन वो सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है। इसमें बिल्कुल प्रिसाइज कंट्रोल होता है हमारी वेवलेंथ के ऊपर या इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अंदर। वही बात जो मैंने आपको बताई कि जितने भी हम लोग थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स में सोर्स यूज़ करते हैं जैसे कि लाइट सोर्स है, इससे पहले वाले टेक्निक्स में हम लोगों ने फर्नेस यूज़ की थी, इन सब में जो भी हमारा सोर्स है हीट अप करने का या लाइट अप करने का वो कंट्रोल्ड होता है। तो यही चीज़ लेज़र की ये क्वालिटी है कि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसकी वेवलेंथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग को जितने वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए होगी हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीम डिलीवरी सिस्टम। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट था लेज़र, लेज़र से हम लोग लाइट इमिट कराते हैं, वो लाइट फिर जाती है बीम डिलीवरी सिस्टम के अंदर। अब बीम डिलीवरी सिस्टम होता क्या है पहले ये देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिकल एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास ऑप्टिकल एलिमेंट्स होते हैं जैसा कि लेंसेज हो सकते हैं, मिरर्स या फिर बीम स्प्लिटर्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपने पढ़े हो पिछले सेमेस्टर्स के अंदर, इसमें हम लोग कॉलीमीटर्स, फाइबर्स या फोकस करने वाले जो हेड्स होते हैं, फोकस लेंस वगैरह, उनको भी यूज़ कर सकते होते हैं। ये सब जो हैं ये ऑप्टिकल एलिमेंट्स हैं और बीम डिलीवरी सिस्टम के अंदर आते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? इसका काम ये होता है कि जो हमारी लाइट आ रही है हमारी लाइट सोर्स से उसको ये फोकस कराता है सैंपल के ऊपर। अब हमारे सैंपल के ऊपर लाइट किस तरह से फोकस होती है? स्टूडेंट्स आपने कभी ऐसे किया है कि एक शीशा लेके उसको धूप के आगे किया हो तो उससे एक रे प्रोड्यूस होती है जो हम लोग कहीं भी उसको फोकस करा सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह बीम डिलीवरी सिस्टम क्या काम करता है, इसमें सिंगल या मल्टीपल लेंजेस को हम लोग यूज़ करते हैं और जो हमारी लाइट होती है लाइट सोर्स से आ रही होती है वो उन लेंजेस को टकराने के बाद बिल्कुल एक फोकस्ड फॉर्म में हमारे सैंपल के ऊपर फॉल करती है। उन लेंजेस को हम लोगों ने इस तरह से एडजस्ट किया होता है कि जो लाइट है वो हमारे सैंपल की तरफ डायरेक्शन करके बिल्कुल फॉल करे। दिस सिस्टम में आल्सो इंक्लूड फिल्टर्स। अब इसके अंदर फिल्टर्स भी हो सकते हैं। टू सिलेक्ट स्पेसिफिक वेवलेंथ आर टू एडजस्ट लाइट इंटेंसिटी। अब फिल्टर्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास लाइट आ रही है उसमें से कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसकी इंटेंसिटी को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सैंपल और रेफरेंस सब्सटेंसेस आते हैं। अब स्टूडेंट्स सैंपल और रेफरेंस सब्सटेंसेस जो होते हैं इनको हम लोगों ने सैंपल और रेफरेंस होल्डर्स या फिर उनको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं उसके अंदर इनको हमने रखा हुआ होता है। और DPC के अंदर हम लोगों को सैंपल और रेफरेंस मटेरियल दोनों चाहिए होते हैं। सैंपल मटेरियल क्या होता है आपको पता है कि वो ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग ने इन्वेस्टिगेट करना है, जिसकी क्वांटिटी को या जिसमें आने वाले थर्मल चेंजेस को हम लोग ने डिटरमाइन करना है। मतलब वो वाला मटेरियल जो हमारे ऑब्जर्वेशन के अंडर है उसको हम लोग सैंपल मटेरियल कहते हैं। और रेफरेंस मटेरियल क्या होता है, जिसको हम लोग रेफरेंस के तौर पे साथ में रखते हैं। अब जो रेफरेंस मटेरियल होता है इसकी खूबी ये होती है कि हमारे जो भी चेंजेस आ रहे हैं हीट की या लाइट सोर्स से हम जो भी हीट चेंजेस करवा रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर उससे हमारा रेफरेंस मटेरियल बिल्कुल ही इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसमें बहुत ही वेल करेक्टराइज्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
ना ही ये उस हीट को अब्जॉर्ब करेगा ना इमिट करेगा। इसको हम लोग सिर्फ रखते हैं सिस्टम के अंदर ताकि हम इससे कंपेयर करने के बाद अपने जो सैंपल मटेरियल है उसकी ऑब्जर्वेशंस कर सके। द सैंपल एंड रेफरेंस सब्सटेंस आर सब्जेक्टेड टू द सेम हीटिंग एंड कूलिंग कंडीशंस टू एनेबल एक्यूरेट कंपैरिजन। अब हम क्या करते हैं, जो भी हम लोग हीटिंग या कूलिंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं अपने सिस्टम को, हम अपने सैंपल और रेफरेंस सब्सटेंस को एक ही कंडीशंस के अंदर रखते हैं ताकि हम लोग इनको अच्छी तरह एक्यूरेटली इनका कंपैरिजन करके बाद में मेजरमेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेम्परेचर सेंसर। अब जो हमारे सैंपल और रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं उनके नीचे एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। इसके नेम से शो हो रहा है कि ये टेम्परेचर को सेंस करेगा और उसको मेजर करेगा। इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर चेंज इन सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल। ये बिल्कुल हमारे सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के साथ ही अटैच हमने किया होता है और उनमें आने वाले जो टेम्परेचर चेंजेस हैं उनको ये डिटेक्ट करता है, उनको सेंस करता है और उनको मेजर कर लेता है। अब जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेम्परेचर सेंसर्स हैं वो कौन कौन से हैं, थर्मोकपल्स जो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं पिछली थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर, इसलिए अब रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर्स RTDs, इसको हम लोग DPC के अंदर एज अ टेम्परेचर सेंसर यूज़ करते हैं। The sensors are placed close to sample and reference materials to accurately detect the temperature changes. अब हम इनको बिल्कुल क्लोजली प्लेस करते हैं अपने सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के अंदर। जब हम इसकी डायग्राम देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से क्लोजली प्लेस किया होता है ताकि ये एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सके टेम्परेचर में आने वाली चेंजेस को। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, आपको पता है एम्पलीफायर क्या काम करता है? ये हमारे सिग्नल्स की एम्पलीफिकेशन करता है, मतलब उनको इंक्रीज करता है। अब जो टेम्परेचर सेंसर था वो कनेक्ट हुआ होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर से। इट मेजर्स द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल्स एंड एम्पलीफाइज द सिग्नल। ये क्या करता है कि जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा होता है टेम्परेचर सेंसर जो हमें डिटेक्ट करके देता है उसको मेजर करता है और फिर उनको एम्पलीफाई करता है, मतलब उनके सिग्नल्स को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करके आगे पहुंचा देता है। द एम्पलीफायर सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सैंपल एंड रेफरेंस। अब जो एम्पलीफायर सिग्नल हमें देता है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे सैंपल और रेफरेंस के दरमियान जो आने वाला टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का ये मतलब है कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा जो सिग्नल होगा उसकी एम्पलीफिकेशन ये करेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली एम्पलीफिकेशन का मकसद ये होता है कि जो हमारे सिग्नल्स बहुत ही स्मॉल सिग्नल्स होते हैं उनको कंप्यूटर सही से एनालाइज नहीं कर सकता, तो फिर ये उनको एक प्रोपोर्शनल रेट के अंदर, मतलब सैम्पल और रेफरेंस दोनों का ही एक ही क्वान्टिटी में जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करेगा ताकि उनका जो डिफरेंस है वो भी ख़त्म ना हो और सिग्नल जिस तरह से एम्पलीफाई हो जाए, इंक्रीज कर जाए कि उनको मेजर करना कंप्यूटर के लिए आसान हो जाए। अब लास्ट पे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है डाटा एक्विजिशन सिस्टम या फिर कंप्यूटर। एम्पलीफाइड सिग्नल फ्रॉम द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज रिकॉर्डेड ऑन टू डाटा एक्विजिशन सिस्टम। अब जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर था वहाँ से जो सिग्नल एम्पलीफाई हो गया आता है वो डाटा एक्विजिशन सिस्टम की तरफ आ जाता है। ये क्या करता है, ये उसको डिजिटाइज करता है, मतलब उसको डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर उसको रिकॉर्ड कर लेता है ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को डायग्राम में देखते हैं। बहुत ही इजी सी डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो तैयार करने के लिए। लेकिन अगर आपको इससे अच्छी कोई डायग्राम मिलती है अपनी किसी बुक में या किसी और लेक्चर में तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरी वाली इजी डायग्राम भी कर सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट था वो लाइट सोर्स था। लाइट सोर्स में हम लोगों ने क्या किया था, लेज़र को यूज़ किया था डिफरेंशियल फोटोकैलोरीमेट्री के अंदर। जो हमारे पास सेकंड इंस्ट्रूमेंट था वो बीम डिलीवरी सिस्टम था। आपने पढ़ा है बीम डिलीवरी सिस्टम के अंदर हम लोग लेंस या मिरर या बीम स्प्लिटर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक बीम स्प्लिटर यूज़ हुआ हुआ है जो इसको स्प्लिट करके आगे पहुँचा रहा है। आगे हम लोगों ने सैंपल और रेफरेंस मटेरियल्स लिए हुए हैं, ये हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट था। अब ये सैंपल और रेफरेंस होल्डर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं और इनको हम लोग सैंपल और रेफरेंस सेल्स भी कहते हैं। इनके अंदर हम लोगों ने सैंपल और रेफरेंस मटेरियल रखा हुआ होता है। और इनके नीचे फोर्थ जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था वो टेम्परेचर सेंसर हमने रखा हुआ है।
हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर सेंसर होता है ये सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के बहुत ही हमने क्लोज रखा होता है ताकि ये एक्यूरेट मेजरमेंट कर सके टेम्परेचर चेंजेस या टेम्परेचर डिफरेंस की। और टेम्परेचर सेंसर्स क्या करता है, इनके टेम्परेचर को सेंस करके मेयर करता है और आगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरफ पहुँचा देता है, जो कि हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और जो हमारा सिक्स्थ कंपोनेंट था डाटा एक्विजिशन सिस्टम, उनकी तरफ पहुंचा देता है। और डाटा एक्विजिशन सिस्टम हमें वो रिजल्ट डिजिटल फॉर्म में देता है, डिजिट्स की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल फोटोकैलोरीमेट्री। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट सी मैंने आपको वर्किंग यहाँ पे बताई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डिटेल्ड लेक्चर्स बनाया करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे सजेशंस दिया करें ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही आपके लिए वीडियोस बनाया करूं। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ही इजी वर्डिंग यूज़ करती हूं, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए हो या कोई भी टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में किसी भी टाइम कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी और मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसकी वर्किंग को पढ़ते हैं। द लाइट सोर्स प्रोवाइड्स बीम ऑफ लाइट। लाइट सोर्स क्या करता है, एक लाइट बीम प्रोड्यूस करता है और प्रोवाइड करता है विच इज़ डायरेक्टेड ऑन द सैम्पल एंड रेफरेंस सेल्स। फिर जो लाइट है उसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, एक्सपोज कराते हैं या फॉल कराते हैं अपने सैम्पल और रेफरेंस सेल के ऊपर थ्रू द बीम डिलीवरी सिस्टम, बीम डिलीवरी सिस्टम से होते हुए। ये बातें आप पढ़ चुके हैं इसलिए मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे हमारे पास टेम्परेचर सेंसर्स होता है जो टेम्परेचर में आने वाली चेंजेस को मेजर करता है और फिर सिग्नल भेज देता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कंपेयर करता है सैंपल और रेफरेंस के सिग्नल्स को और फिर उनको एम्पलीफाई करता है। और फिर लास्ट पे हमारे पास आता है डाटा एक्विजिशन सिस्टम या कंप्यूटर, ये उन एम्पलीफायर सिस्टम को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया, अपने सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के दरमियान आने वाले जो टेम्परेचर चेंजेस हैं हमने उनको कंपेयर किया, और उसके ज़रिए से जो डिफरेंशियल फोटोकैलोरीमेट्री की टेक्निक है ये हीट जनरेशन की या फिर हीट कैपेसिटी के डिफरेंस की या हीट अब्जॉर्ब जो भी फोटोकेमिकल चेंजेस हमारे पास आ रहे थे उनकी मेजरमेंट कर लेती है डिफरेंशियल फोटोकैलोरीमेट्री। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल फोटोकैलोरीमेट्री। अब बाकी थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर हम लोगों ने डाटा इंटरप्रिटेशन में एक ग्राफ पढ़ा था जिसको हम लोग कर्व कहते थे, जैसे कि DTA कर्व, DSC कर्व, लेकिन इसके अंदर कर्व हमें नहीं मिलता। इसमें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें डिजिट्स की फॉर्म में जो आंसर होता है, जो डाटा होता है वो मिलता है, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है ये हमारे सिग्नल को डिजिट्स में कन्वर्ट कर देता है। द मेजरमेंट्स एंड डाटा ऑब्टेन्ड एंड इज डिस्प्लेड एंड रिकॉर्डेड डिजिटली। जो भी हमें डाटा या मेजरमेंट्स मिलती हैं वो डिजिट्स की फॉर्म में ही हमें मिलती हैं, जबकि इसके अंदर कोई DPT कर्व हमें नहीं मिलती कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो डाटा एक्विजिशन सिस्टम होता है DPT के अंदर, ये टेम्परेचर सिग्नल्स को कलेक्ट करता है सैम्पल और रेफरेंस सेल से, और टेम्परेचर सेंसर से आने वाले जो सिग्नल्स हैं उनको कलेक्ट करने के बाद फिर वो सिग्नल्स एम्पलीफाई होते हैं आपको पता है, और बाद में ये उनको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्मेट के अंदर यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को यूज़ करते हुए जो हमारा डाटा एक्विजिशन सिस्टम है ये हमारे एम्पलीफाइड सिग्नल को डिजिट्स में, मतलब नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इस डिजिटाइज डाटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं या एनालाइज करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह को यूज़ करते हुए। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल फोटोकैलोरीमेट्री। सबसे पहले है कि फोटोवोल्टिक्स के अंदर यूज़ होती है। स्टूडेंट्स, फोटोवोल्टिक्स क्या होता है, फोटोवोल्टिक्स के अंदर हम लोग उन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं जो कि सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए लाइट को जनरेट करते हैं, जैसे कि सोलर सेल्स हमारे पास होते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए DPC यूज़ होती है। इट इज़ यूज इन सोलर सेल्स आर फोटोवोल्टिक डिवाइसेस। इन सब डिवाइसेस वगैरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ उनको डिटरमाइन करने के लिए DPC यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फोटो एक्टिव मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, फोटो एक्टिव मटेरियल्स वो वाले मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर अगर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करें
तो ये उसको रिस्पोंड करते हैं किसी ना किसी तरह, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लो कर जाते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, या फिर ये अपने अंदर जो भी चेंजेस आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई भी तरह का जो रिस्पॉन्स है ये देते हैं। अब डीपीसी क्या करती है, ये इन फोटो एक्टिव मटेरियल्स की थर्मल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज होती है। डीपीसी हमें ये बता सकती है कि जो हमारे फोटो एक्टिव मटेरियल्स थे उन्होंने कितनी हीट अब्जॉर्ब की है, और हीट अब्जॉर्ब करने के बाद उन्होंने उस हीट को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट किया है और किस तरह से इंटरेक्ट किया है, ये सब बातें हम लोग डीपीसी के जरिए से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे फोटो एक्टिव मटेरियल्स की, जैसे कि फोटो डायोड्स या फिर ये लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडीज वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिकल कोटिंग। तो इस मटेरियल को हम लोग कोट करते हैं, जैसे कि एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है या फिर हीट रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, डिफरेंट तरह की जो ऑप्टिकल कोटिंग्स होती हैं हम अपने मटेरियल के ऊपर करते हैं। अब उन कोटिंग्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए डिफरेंशियल फोटोकैलोरीमेट्री हमारे पास यूज होती है। इसको हम लोग यूज़ ये इसलिए भी कर सकते हैं कि वो जो कोटिंग्स हैं उनकी जो भी टेली कम्युनिकेशन में जैसे हम करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर कोटिंग, फिर सोलर एनर्जी के अंदर हमारे पास कोटिंग्स होती हैं, उन सब कोटिंग्स को ऑप्टिमाइज भी ये कर सकती है, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए भी डीपीसी यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नैनो मटेरियल्स। अब नैनो मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे कि नैनो पार्टिकल्स हमारे पास हैं, या नैनो कंपोजिट्स या नैनो वायर्स, डीपीसी उनके अंदर जो आने वाले मैटर और लाइट के इंटरेक्शंस हैं या उनके थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, ये जो नैनो मटेरियल्स होते हैं इनमें आने वाले हीट चेंजेस या उनके थर्मल इंटरेक्शंस, इनको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ये बहुत ही छोटे मटेरियल्स हैं। तो ये डीपीसी की बहुत ही बड़ी एडवांटेज है कि ये उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी और इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और हमारे जितने भी नैनो स्केल पे सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम में आने वाले जो एनर्जी कन्वर्जन्स हैं, हीट अब्जॉर्ब हुई है या इमिट हुई है, कितनी ही एनर्जी यूज़ हुई है, या फिर जो भी प्रोड्यूस हुआ है हीट से रिलेटेड चीज़ें, उनको डीपीसी जो है डिटरमाइन करती है या उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है। फिर आता है हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स। स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो डीपीसी है ये हमारी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स या जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं मेडिसिन की, उनकी करेक्टराइजेशन के लिए यूज़ होती है। अब करेक्टराइजेशन क्या चीज़ होती है, जो करेक्टराइजेशन टेस्टिंग होती है इसके ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कोई भी मेडिसिन है या फार्मास्यूटिकल मटेरियल है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग उसकी करेक्टराइजेशन कहते हैं। अब ये क्या करती है, ये हमारे थर्मल स्टेबिलिटी या फिर लाइट इंड्यूस्ड रिएक्शंस जो हैं ड्रग्स के या फिर फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन जो भी फार्मूलाज वगैरह हमारे मेडिसिंस के हैं उन सब के थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि हर मेडिसिन के ऊपर ही ये लिखा होता है कि ये इतने टाइम तक जो है इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला जो है वो इतने महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, स्टोरेज और डेवलपमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमें डीपीसी देती है अपने मेडिसिन या कोई भी जो ड्रग्स हैं उनकी। लास्ट एप्लीकेशन है बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर। डीपीसी जो है ये बायोलॉजिकल टिश्यूज़ या बायोमटेरियल के जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर फोटो थर्मल थेरेपीज भी होती हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये डीपीसी की एप्लीकेशंस में आ जाती हैं। अब लास्ट पे हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ डीपीसी, डिफरेंशियल फोटोकैलोरीमेट्री की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है सेंसिटिविटी टू सैंपल प्रॉपर्टीज़। जो डीपीसी होती है ये सैंपल की प्रॉपर्टीज़ की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी हमारा सैंपल है जिसको हम लोग ने एनालाइज करना है, अब उसके थर्मल प्रॉपर्टीज़ या उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, उन सब प्रॉपर्टीज़ का इफ़ेक्ट होता है डीपीसी की मेजरमेंट के अंदर। अगर हमारे सैंपल के अंदर कोई भी वेरिएशन आ जाती है, जैसे कि सैंपल थिकनेस या उसकी कंपोजिशन में कोई वेरिएशन आ जाती है या हमारी सरफेस की कंडीशंस के अंदर, उससे क्या होगा, जो डीपीसी है इसकी एक्यूरेसी, इसकी मेजरमेंट्स, ये सब इफ़ेक्ट हो जाएंगी और हमारे पास रिजल्ट में एरर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड स्पेक्ट्रल रेंज। अब जो डीपीसी का इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल रेंज में ही काम करता है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट सोर्स एंड डिटेक्टर्स यूज। अब हम लोगों ने कौन सा लाइट सोर्स किया यूज़ किया है और कौन सा डिटेक्टर,
वो कौन से वेवलेंथ की रेडिएशन को जो है वो एग्जामाइन कर सकता है या डिटरमाइन कर सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी डीपीसी के जो रिजल्ट्स आने हैं वो, कि हम लोगों ने कौन सा लाइट सोर्स चूज किया है या कौन सा डिटेक्टर। अब जो भी हम लोगों ने एक रेंज स्पेसिफिक ली हुई है, उस स्पेसिफिक रेंज का लाइट सोर्स है या उस स्पेसिफिक रेंज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने जो डिटेक्टर यूज़ किया है, अगर उस रेंज के बाहर हम लोग कोई मटेरियल यूज़ करें जो उस रेंज से ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब करे या ज़्यादा लाइट को इमिट करे, तो फिर क्या होगा, जो हमारा डीपीसी होगा ये वर्क नहीं करेगा, ये हमें सही स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स डाटा इंटरप्रिटेशन। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमेट्री है, इसमें लाइट यूज़ करेंगे और जो हमारा सैम्पल है जब वो लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसमें डिफरेंट तरह के लाइट और मैटर के इंटरेक्शन आ सकते हैं, तो उनको इंटरप्रेट करना बहुत ही चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो कि डीपीसी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम लोग एडवांस्ड या फिर जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो भी मेथड है डीपीसी का वो यूज़ करें। ये हमारे पास बहुत ही एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन होनी चाहिए, वरना ये कॉम्प्लेक्स डाटा को इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैम्पल हीटिंग इफेक्ट। स्टूडेंट्स आपको पता है कि डीपीसी के अंदर क्या होता है, हम लोग लाइट प्रोवाइड करते हैं और जो लाइट सोर्स होता है वो हमारे सैंपल के ऊपर जब पड़ता है तो सैंपल उस लाइट को अब्जॉर्ब भी कर सकता है या इमिट भी कर सकता है। तो अगर हमारे सैंपल ने लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब कर लिया है तो जो भी हमारा वो सिस्टम है उसके अंदर जो हीट है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो सैंपल के हीट होने से बुरे इफेक्ट पड़ सकते हैं हमारे डीपीसी के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उससे हमारी मेजरमेंट ठीक नहीं होगी। तो हमें बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए डीपीसी का इंस्ट्रूमेंट, ताकि जो हमारे सैंपल हीटिंग इफेक्ट्स हैं ये कम ही रहे। लास्ट पे है एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड इक्विपमेंट। डीपीसी के अंदर हम लोगों को ज़्यादातर जो ज़रूरत होती है कि हम ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करें जिसमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हों, मतलब बहुत ही अच्छा लाइट सोर्स, अच्छे डिटेक्टर्स, बहुत ही प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हो। जो हमारे एक्सपेरिमेंट का सेटअप होता है इसको टेक्निकली मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए हम लोगों को बहुत ही एक्सपर्ट्स या एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह गैस इवॉल्व एनालिसिस करेंगे। स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।